दोस्तों आपका चैनल में फाइव टेक में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। अगर आप ओप्पो के फैन हैं तो आपके लिए जानने वाली कि ओप्पो अपना 12 सीरीज लेकर आ रहा है और आपको इस सीरीज में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे और कौन कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। जो रेनो का होगा 12 उसमें आपको प्रो देखने को मिलेगा, प्लस देखने को मिलेगा, इसका कैमरा कैसा होगा, इसकी बैटरी कैसी होगी, इसकी परफॉर्मेंस एंड इसके एआई कितना एडवांस होगा, एआई इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, नया फीचर कैमरा एआई होगा, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग एआई होगी, इसका प्राइस कितना होगा, सब करेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस। तो करता हूँ स्टार्ट वीडियो में। चैनल का नाम है व्हाइट टेक। अगर आप नए यूजर है तो आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही यूनिक डायलॉग एक एक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या फीचर्स रहने वाले हैं, जो ओप्पो रेनो 12 सीरीज जो लॉन्च होने जा रही है, डेट मैं नहीं अनाउंस करूंगा, और जो जून में ही लॉन्च होने वाली है, लास्ट वीक में लॉन्च होगी, और इसका आपको टीजर आपको देखने को मिलेगा, और आप में जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा टीजर आपको देखने को मिलेगा, ये ओप्पो का रेनो 12 है। तो करता हूँ स्टार्ट वीडियो और बताता हूँ कि आपको 12 सीरीज में इसके फीचर्स क्या क्या देखने को मिले। तो आपको बता दूं कि ओप्पो रेनो 12 जो सीरीज होगी पावर्ड बाय मीडियाटेक डोमेस्टिक 7300 प्लस एनर्जी एसओसी आपको देखने को मिलेगी। कंपैरिजन तो रेनो 12 टू चाइना, जो चाइना का मॉडल है उसमें आपको डोमेस्टिक थी 8250 विद व्हील टू प्रो वर्जन टू डोमेस्टिक टू 9200 प्लस एसओसी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम करो इसकी डिस्प्ले साइज की, 6.7 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी इस ओप्पो के रेनो 12 में। वो अब बात करते हैं इसके जो होगा रिफ्रेश रेट, आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आपको 1200 का नाइट पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी, और एचडीआर 10 प्लस का सर्टिफिकेशन और गोरिल्ला ग्लास कार्ड आपको देखने को मिलेगा, टू लेयर प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहे होगी गाइस इसके जो फीचर्स, तो इनडोर की बात। अब बात करते हैं इसकी बैटरी का, बैटरी बैकअप क्या रहने वाला है। अगर इसका बैटरी बैकअप बात करो सेम रहने वाला है, 5000 mAh बैटरी के साथ आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, 80 वाट का चार्जिंग स्पीड भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कैमरा, इसकी कैमरा क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आपको जो 12 ग्लोबल था उसमें आपको 50 MP का सोनी मेन कैमरा सेंसर देखने को मिला था, और 8 MP का सोनी का वाइड एंगल लेंस, और 2 MP का आपको माइक्रो शूटर देखने को मिलेगा। और दिस वीक ऑफ दी डाउनवर्ड्स 250 MP का 2x टेलीफोटो सैमसंग का जी जेन सेंसर आपको देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा सेंसर टू डाउनवर्ड टू 50 MP का टू 32 MP ग्लोबल आपको देखने को मिलेगा। ऑन दिस अदर हैंड टू रेनो 12 प्रो माइट्स में 50 MP का सोनी 600 का मेन कैमरा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, और आपको सोनी का शूटर 50 MP का सैमसंग सेंसर टेलीफोटो 2x का ऑप्टिकल शूटर और 20 मल्टीपल आपको डिजिटल जूम भी देखने को मिलेगा। ये होगी गाइस इसके कैमरा फीचर्स। अब बात करते हैं इसके ग्लोबल प्राइस और मेमोरी एंड कलर्स की हम बात कर लेते हैं। इसका प्राइस क्या रहने वाला है, इसका कलर्स क्या रहने वाला है, और इसकी जो इसकी रैम होगी, इसकी स्पेस होगी क्या रहने वाली है, ध्यान सुना। दिस लीक्स टू कलर ऑप्शन डिटेल टू जो रेनो 12 सीरीज होगी गाइस, ये जानकारी इसमें जो वनीला मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जो ग्लोबली था आपको यूरो आप बात करें वहां का 457 आपको देखने को, बट इंडिया में अगर इसका करूं मैं कन्वर्ट टू 41,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो उसकी रैम 12 प्लस 256 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। रैम जो 12 प्रो था वो आपको 549 अराउंड टू कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो 49,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। प्राइस वाइज प्रॉपरली सेम मॉडल आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करूं इसके जो कलर्स की, तो आप इसमें रोला सिल्वर ब्लैक आपको ये दो कलर आपको देखने को मिलेगी।
तो ये थी गाइस इसके फीचर्स मैंने बताए। अब बात करते हैं, ये लॉन्च होगा लास्ट वीक में, जून की लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो ओपन टीजर क्लिप टू ब्रांड, आपको जो उसकी जो टीजर था इसे जो ऑफिशियल ट्विटर में दिया हुआ, वहां पर आप इसको देख सकते। ओप्पो का ए इज लाइन टू हीटिंग टू सम AI, निकाला AI इसमें कुछ एडवांस लेकर आ रहा है ओप्पो, तो वो जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। मैं इसमें आपको लग से बताऊंगा। ओप्पो का रेंट 12 सीरीज में जो लॉन्च हुआ था ग्रुप में, मैंने इसके लिए लग से वीडियो बनाई थी। और गाइस आप मेरी पिछली वीडियो में देखना, मैंने वहां पर बताया कि ओप्पो का रेंट 12 सीरीज सेट था वो ग्लोबली जून को लॉन्च होने जा रहा है, तो उसके बाद इंडिया में भी लॉन्च होने जा रहा है जून में के लास्ट वीक में। तो गाइस ये थे सीरीज के बारे में। तो अगर आप इसकी अलग से वीडियो चाहते हो तो इसमें मैंने थोड़े लीक्स अगर मैं बताऊं AI के फीचर के बारे में, इसमें ओप्पो रेनो 12 सीरीज की AI फीचर लाइक टू रिजल्ट 2.0 AI फेस क्लियर फेस AI पोर्टल रिटचिंग AI लिंक बूस्ट एक्सेट्रा। मैंने कहा था गाइस AI एडवांस AI लेकर आ रहा है, आपको हर जगह AI देखने को मिला, AI कैमरा, AI कह लो वीडियो रिकॉर्डिंग, AI सब कुछ आपको AI के सब। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है AI, फोटो एडिटिंग करनी है AI, फोटो शूट करनी है AI, ब्लॉग बना रही है तो AI, सब कुछ AI कर रहे, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। AI कितना एडवांस हो चुका है, तो वैसे ही आपके स्मार्टफोन कितने एडवांस हो चुके हैं। तो वैसे मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बताऊंगा कि ओप्पो का जो लॉन्च होगा इंडिया में उसका प्राइस क्या रहने वाला है, वो जो ग्लोबली लॉन्च होगा सेम रहेगा कि थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल व्हाइट टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। मैं आपको जल्द ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ ओप्पो रेनो 12 सीरीज जो लॉन्च होने आ रही है, और इसके प्राइस के साथ इसके जो ये एडवांस फीचर्स है आपको कैसे यूज कर सकते हो, जिससे आपका फोन एडवांस हो सकता है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी और फोटो एडिटिंग मजेदार हो सकती है, वो जानने के लिए मेरे आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एंड साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। बाय बाय गाइस।